अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली रोज की वीडियो आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हमारे आज का टॉपिक की तरफ। अक्सर ये सवाल बहुत बारी पूछा जाता है कि हम बिस्तरी करने के लिए, चूँकि जिमा में ताकत और कुव्वत सर्फ होती है, लिहाजा ऐसा कोई वजीफा बताएं या ऐसी कोई खुराक बताएं जिससे हम बिस्तरी के दौरान ताकत सर्फ तो हो लेकिन कमजोरी ना हो। तो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज के फायदे भी रखे हैं और नुकसानात भी रखे हैं। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिमा के यानी हम बिस्तरी के बहुत सारे फवायद भी रखे हैं। वहाँ पर एक, सबसे ज्यादा जिमा करने से इंसानी जिस्म कमजोर हो जाता है, उसमें कमजोरी पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए, इससे कैसे बचा जाए, आप अपनी गजा का भरपूर तरीके से दुरुस्त करें, गजा में देसी चीजें इस्तेमाल करें, मुर्गन गजाएं जैसे की सब्जियाँ हैं, इस दाल गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, मुर्गन गजाओं का इस्तेमाल हरगिज भी ना करें, इससे बचा जाए तो बेहतर है कि हम बिस्तरी से पहले। तिब्बा ये लिखते हैं कि अगर खजूर और गर्म दूध का इस्तेमाल किया जाए या कोई मीठी चीज का इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म को तवानाई पहुंचाता है और जिस्म की कुव्वत को, ताकत को खूब बढ़ाता है। तो लिहाजा जिमा करने से, हम बिस्तरी करने से पहले खजूर, नीम गर्म पानी या कोई मीठी चीज, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके जिस्म को कमजोर होने नहीं देगी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।